मूड से कि इस ए के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है, इस ए के पास कोई ना कोई ऐसी सुपर पावर है जिसके कारण ये ए इस बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। देन इस क्वालिटी, देन इस सुपर पावर, देन इस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। यानी कि दैट इज किसी बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के लिए किसी बॉडी को चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अब पुश को बोलते हैं, पुश को यानी कि खुद से दूर करने के लिए अब बोलते हैं रिपल्सर, एंड इस पुल को बोलते हैं अट्रैक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो दो चार्ज बॉडीज लगाती है, या मैं कहूं चार्ज बॉडीज लगाती है। तो फ्रेंड्स चलिए हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग भी रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्या रीजन होता है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होते हैं? क्या रीजन होता है दैट दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका सिंपल सा रीजन है दैट टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज रिपेल ईच अदर। सपोज आई हैव टू बॉडीज एंड बोथ हैव चार्ज पॉजिटिव। यदि मेरे पास दोनों बॉडीज के पास पॉजिटिवली चार्ज है, देन ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि दोनों सिमिलरली चार्ज्ड है। या मैं कहूं मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है एंड दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, देन ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, अपने साइड पुल करने की कोशिश करेंगी। सो रीजन क्या हुआ, इन शॉर्ट में इनको किस तरह से लिखूंगा, इन शॉर्ट सिमिलरली चार्ज बॉडीज, सिमिलरली चार्ज बॉडीज repel each other. And oppositely charged bodies attract each other. तो ये हुआ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की रीजन। बट फ्रेंड्स ये जो काफी टाइम से हम अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करता है या हम इसको यूं ही पढ़े चले जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स इस चीज को बताने के लिए, इस फैक्ट को आपके सामने रखने के लिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नेचर में सच में एग्जिस्ट करते हैं, हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, एंड उस एक्सपेरिमेंट को हमने कई बार अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, इसको बचपन में काफी बार देखा होगा, किया होगा, हो सकता है कि हमने उसे नोटिस ना किया हो बस। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक टेस्ट हम करने वाले हैं। हमें इस टेस्ट में कुछ नहीं करना है, एक पेन लेनी है, तो ये पेन लेना है और इस तरह इसको बालों से अपने हेयर्स के साथ रब करना है। इस टाइम मैं रब कर रहा हूँ हेयर्स के साथ। तो अब हम देखते हैं, ये मुझे लगता है ये पेन मेरी चार्ज हो गई होगी। अब मैं टेस्ट करता हूँ इसको। तो आपने शायद देखा, आप देख सकते हैं इसको विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ये इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है इस पर, देखिए। ओके, सो अब ये रेस्ट की कंडीशन में आ गई। फिर से एक और बार टेस्ट करते हैं। ये चिप पर मैंने इस तरह से अट्रैक्ट, देखिए आप खुद देख सकते हैं इसको कैमरे, ये देखिए। अब मैं लेता हूं एक एल्यूमिनियम पीस, एक एल्यूमिनियम यानी कि एक मेटल पीस, देख लीजिए। ओके, ये आप कहीं से भी कोई भी पीस ले सकते हैं, आप आयरन पीस ले सकते हैं। अब मैं इसको रब करता हूँ। आप साउंड सुन पा रहे होंगे कि मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, सो अब मैं ट्राई करता हूँ। आपको इसमें शायद कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं दिखाई देगा, एब्सोल्युटली कोई अट्रैक्शन फोर्स आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। मैं इसको एक और बार फिर रब करता हूँ, एंड अभी भी इसके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो अब हम इसको समझेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है कि इसने एक ने अट्रैक्ट किया, एक ने अट्रैक्ट नहीं किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। सो फ्रेंड्स इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आई फील यू विल बिलीव कि कहीं ना कहीं नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। वो अलग बात है कि इस पेन एंड एल्यूमिनियम चिप पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम इजीली देख सके,
सो दैट हम उन्हें लैब में देखते हैं. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हम इतना तो इमेजिन कर सकते हैं, हम इतना विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते होंगे. नाउ फ्रेंड क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट हैपेंस इफ वी रब टू बॉडीज. क्या होगा जब हम दो बॉडीज को एक साथ रब करेंगे. देन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऑफन पूछे जाते हैं. सो फ्रेंड्स लेट्स चेक इट. तो सबसे तो कई बार क्वेश्चन ये आता है, व्हाट हैपन इफ वी रब ग्लास रॉड एंड अ सिल्क क्लॉथ. क्या होगा जब हम एक ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करेंगे. सो लेट मी राइट इट. ओके, सो जब हम एक ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करेंगे देन इन दोनों पर किस तरह के चार्जेस आएंगे, किस तरह के चार्जेस इन दोनों पर आएंगे. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड साथ ही इसका रीजन भी पूछा जाता है. Then, ये फेमस एग्जाम्पल है, काफी बार पूछा गया है. Then, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सपोज करते हैं ये एक ग्लास रॉड है एंड ये एक सिल्क क्लॉथ है. जब मैं इन दोनों को आपस में इस तरह से रब करूंगा, इस तरह से रब करने के बाद इन दोनों पर जो चार्जेस आएंगे वो ग्लास रॉड पर आने वाले चार्जेस पॉजिटिव होंगे एंड सिल्क क्लॉथ पर आने वाले चार्जेस नेगेटिव होंगे. रीजन क्या है. रीजन ये है कि हम जानते हैं ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ दोनों ही इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं. ओके, सो ये ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को जब हम आपस में रब करते हैं तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ की कंपैरिजन में लूज होने के कारण एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइट हैं इसके कंपैरिजन में. सो दैट ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स लूज होने के कारण सिल्क क्लॉथ के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, जिससे ग्लास रॉड में डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, दैट इज कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की. और इस डेफिशिट के कारण, डेफिशिट यानी कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक्सेस हो गई यहां पर प्रोटॉन्स की, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो गई है बॉडी. ओके, सिमिलरली यहां पर करेंगे हम, जब हम यहां पर टाइट बॉन्ड है इसके साथ ये ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन से स्टिक कर गए, चिपक गए, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, दैट इज नेगेटिविटी ज्यादा हो गई, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई. ओके, सो इन शॉर्ट में क्या कहूं, इन शॉर्ट में कहूंगा कि ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ को जब हम आपस में रब करेंगे तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं सिल्क क्लॉथ के कंपैरिजन में, तो सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो एक में डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, दूसरे में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है. तो ये रीजन है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी का. ओके, सो एक फेमस एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस इफ वी रब, व्हाट हैपेंस इफ वी रब एयर एंड आर बॉम. ओके, सो सपोज करते हैं हमारे पास एक एयर है एंड हमारे पास एयर है, एयर्स है एंड कॉम है. तो जब हम इन दोनों को आपस में रब करेंगे देन एयर्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे एंड कॉम नेगेटिवली चार्ज. रीजन वही है कि एक के इलेक्ट्रॉन लूज है, एक के इलेक्ट्रॉन टाइट है, तो जिसके इलेक्ट्रॉन लूज है वो डोनेट करेगा देन दूसरा रिसीव करेगा. ओके, तो यार ये तो हुआ कि कई कुछ फेमस एग्जांपल्स जो हमें याद रहते हैं या जो हम काफी टाइम से रिमेंबर कर सकते हैं. लेकिन क्या होगा जब यदि हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्लास रॉड के यदि आप पेपर के साथ रब करोगे देन दोनों पर किस तरह से चार्जेस आएंगे. व्हाट हैपेंस इफ वी इफ दे आस्क अस दैट व्हाट वुड हैपन दैट इफ वी रब ग्लास रॉड विद अ पीस ऑफ वुड. यदि हम लकड़ी से रब करते हैं तब क्या होगा, या मैं कहूं इस ग्लास रॉड को मैं प्लास्टिक से रब कर दूं तब क्या होगा, दोनों पर किस तरह से चार्जेस आएंगे. तो इस तरह से ग्लास रॉड को कई सारे मटेरियल्स के साथ रिमेंबर करना काफी टफ है, या मैं कहूं काफी डिफिकल्ट है. तो इस प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए हमारे साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट को एक टेबल के फॉर्म में, टेबुलेटेड फॉर्म में कुछ इस तरह से अरेंज किया एंड इस टेबल का नाम दिया ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज. तो फ्रेंड्स क्या है इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की स्पेशलिटीज, क्या है इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज की क्वालिटीज, लेट्स चेक इट नाउ. सो फ्रेंड्स ओके, तो फ्रेंड्स ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कोई आम सीरीज नहीं है, ये वो महान जादू की झप्पी है जो आपके द्वारा किए गए सभी पापों का नाश करके आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समझ को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देगी.
तो फ्रेंड्स भूल जाइए अपने किए हुए सभी पुराने पापों को और आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको भी लगा होगा कि बोर्ड के सामने बोलते मैंने अपनी कुछ बात काट दी। तो फ्रेंड्स उसका ये रीज़न है कि मैं चाहता था कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ को मैं यहाँ पर शो करूँ, आपको स्लाइड्स पर शो करूँ, सो दैट आपकी समझ में, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समझ में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर हो, और मुझे लगता है कि आप ये आपके साथ ज़रूर होगा। सो देखते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ क्या है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ के ये मटेरियल हैं, ये सारे मैटर हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ के, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इन मटेरियल्स को, ये डिफरेंट मटेरियल के आपने इनमें से कितनों का नाम सुना है। और तो ये फर्स्ट मटेरियल है फर, फ्लैनल, वूल, ग्लास, पेपर, कॉटन, सिल्क, वुड, एम्बर, मेटल्स, रबर, ओरलॉन, पॉलीथिलीन, टेफ्लॉन, एबोनाइट। तो मुझे लगता है कि आपने इनमें से आधे मैटर्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा और आधों का बिल्कुल नहीं सुना होगा, ये गारंटी है ना, कुछ का नहीं सुना होगा। तो फ्रेंड सबसे तो ज़रूरी होता है कि यार हम इन सारे मटेरियल्स को याद रख पाना केवल नाम से, जो हमने कभी देखे ही नहीं है, कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, मुझे समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे आपको इसकी कुछ इमेजेस दिखानी चाहिए, सो दैट आप इनको रिमेम्बर कर सकें, आप उनको हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में रख सकें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये क्या है। कभी आपने कई बार देखे होंगे इस तरह के सीट्स को, इस तरह की सीट देखी होंगी आपने कार में, है ना, या फिर मैं कहूँ इस तरह का भी कुछ आपने देखा होगा, या मैं कहूँ कि जब भी हम किसी कैट स्किन को देखते हैं, कैट स्किन जो होती है, या किसी एनिमल की स्किन जो होती है, सपोज काउ की स्किन भी मैं लेके चलता हूँ, या फिर मैं कहूँ जो लायन की स्किन होती है वो कुछ इस तरह से मैं बोलूँ तो ये होती है, तो लायन की स्किन को, काउ की स्किन को, कैट की स्किन को, या इस तरह के जो कपड़े होते हैं जो हमने कार की सीट्स पर अक्सर देखे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं फर। ओके, उसको हम फर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अब मुझे लगता है कि जब आप इस चीज़ को देखेंगे, इस मटेरियल को, उस टाइप के मटेरियल्स को आप देखा करेंगे, तो आपके माइंड में इमेज आएगी एक फर की, आपके माइंड में हमेशा एक वर्ड याद आएगा फर। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो फ्रेंड्स ये शर्ट्स आपने कई बार देखी होंगी मार्केट में, हो सकता है आपने पहनी भी हूँ, तो इन शर्ट्स को हम बोलते हैं, ये इसमें जो थ्रेड यूज़ हुआ है उसको हम बोलते हैं फ्लैनल। ओके, हो सकता है आपको शर्ट पसंद हो सकता है ना भी हो, मुझे पसंद नहीं है। ओके, फ्लैनल, लेकिन हो सकता है अब यही फ्लैनल की शर्ट आपको ज़रूर पसंद आएगी। यस, अब तो ये शर्ट अच्छी लग रही है एंड आई ऑल्सो लाइक डिट। सो फ्लैनल की ये शर्ट है, जब भी आप इस तरह की शर्ट्स को देखें, जब आप इस तरह के का क्लोथ देखें, देन आप उसको समझ जाएं कि यार हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, ये फ्लैनल है। सो तो इस तरह से आप दूसरों से डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में ऐसा दिखता है, वो एक्चुअली में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फ्रेंड्स कई बार हमने इस तरह के स्वेटर्स को हमने देखा होगा, पहना होगा, इस तरह के हमने कैप को देखा होगा, पहना भी होगा या नहीं भी पहना हो, लेकिन देखा तो ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स हम इनको हर चीज़ को, हम इस तरह के स्वेटर्स वगैरह को एक कैटेगरी में लेके आते हैं कि ये वूलन क्लॉथ हैं, कि ये वूलन क्लॉथ है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो इनका थ्रेड है, जो इनका यार्न है, जो इसका फाइबर है, हम उसको ओरलॉन बोलते हैं। ओके, सो ओरलॉन इसका सही मीनिंग है, ओरलॉन इसका सही नाम है, तो आपको याद रखना है। ये धागा भी आपने कई बार अपने घरों में देखा होगा, तो ये ओरलॉन होता है। तो इस तरह से आपको, अब यदि मैं आपको बताता ही नहीं कि आपको इमेज शो नहीं कराता कि ओरलॉन क्या होता है, देन आप इसको एक दिन याद रखते, दो दिन याद रखते, देन एक दिन डेफिनेटली इसको भूल जाते। तो जब भी आप इस तरह के स्वेटर्स, इस तरह का थ्रेड, इस तरह का धागा आप देखें, तो आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये ओरलॉन है, मैंने पढ़ा हुआ है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये कॉटन है, हम इसको नॉर्मली कई बार क्या यार, इसको डेली ही देखते हैं, है ना। ये कॉटन से बनी हुई टी शर्ट है, तो इसको सिंपली मैं ले लिया। इसको आपने कई बार देखा होगा अपने घरों में, जब प्लम्बिंग का काम होता है, देन इस टेप को हमने यूज़ किया हुआ है, एंड इस टेप को हम बोलते हैं
टेफलॉन टैप. ओके, सो ये थे कुछ मटेरियल्स. अब देखते हैं, ये थे कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल. मैंने यार इसमें से एक चीज़ आपको नहीं बता पाई, कि एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बता पाई, दैट इज़ एम्बर. एम्बर क्या होता है? एम्बर को फ्रेंड्स हम रेजिन भी बोलते हैं. एम्बर को हम रेजिन भी बोलते हैं. एम्बर क्या है? जो पेड़ों पर हमने गोंद देखी होगी, गोंद, उसको हम एम्बर बोलते हैं. ओके, सो इमेजिन तो आप कर ही सकते हैं ना, क्योंकि कई बार हमने देखा हुआ है. एक और चीज़ इसमें रह जाती है, पॉलीथिलीन तो वही है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. एक और चीज़ रह जाती है एबोनाइट. एबोनाइट क्या होता है? एबोनाइट एक टाइप से प्लास्टिक ही होती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं. उन डिफरेंस को मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा. ओके, तो बात करते हैं अब इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, इस महान जादू की जप्पी की क्या है ये. तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज फ्रेंड्स वो सीरीज है, या मैं कहूँ ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में इन मटेरियल्स को इस तरह से अरेंज किया गया है, जो मैं पहले बोल रहा था कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में मटेरियल्स को इस तरह से अरेंज किया गया है, इस तरह से टेबुलेट किया गया है, कि जब भी आप ऊपर वाले किसी मटेरियल को नीचे वाले मटेरियल से रब करेंगे, तो होगा क्या कि हमेशा ऊपर वाला मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एंड नीचे वाला मटेरियल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ओके, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज. अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाने से क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं. मतलब लूज होने के कारण, इलेक्ट्रॉन लूज होने के कारण पॉजिटिवली चार्ज होता है. वहीं डेफिसिट के कारण, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, एक्सेस के कारण नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. तो देख लेते हैं क्या है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में. तो सपोज करें कि यार हमें वूल एंड ग्लास को हमने एक साथ रब किया, अब देखिए हम ग्लास को अब यदि ऊन के साथ रब करते हैं, वूल के साथ रब करते हैं, तो होगा क्या, वूल इस सीरीज में ऊपर आ रही है, यानी कि ग्लास के ऊपर है, तो वूल क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जबकि ग्लास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. वहीं यदि मैं ग्लास को पेपर के साथ रब कर दूंगा, तो होगा क्या, ग्लास अब इन दोनों के कनेक्शन में ग्लास का आ रहा है, इन दोनों के कनेक्शन में ग्लास ऊपर आ रहा है, तो ग्लास के पास क्या हो जाएगा, अब इसके साथ रब करने के लिए, इसके साथ रब करने के बाद पॉजिटिव चार्ज, जबकि पेपर के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज. अब यदि मैं बात करूं कि मैं सिल्क को रब कर दूं रबर के साथ, तो क्या होगा, अब आप बताइए सिल्क क्या है, रबर और सिल्क में ऊपर कौन आ रहा है, रबर एंड सिल्क में ऊपर आ रहा है हमारा सिल्क, तो सिल्क के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड रबर के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. पॉजिटिव वाला यानी कि सिल्क क्या होगा, इन दोनों के बीच में यदि हम सिल्क और रबर को रब करेंगे, तो होगा क्या, सिल्क क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज. रबर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज. तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज ने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया, कि अब हमें कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है वही याद रखने हैं, काफ़ी सारे याद नहीं रखने हैं, कोई पूछे तो बता देना है कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से हम इसको कर लेंगे. ओके, सो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का ये बेनिफिट है कि आपको कई सारी चीज़ें याद नहीं करके रखनी है. वैसे तो सीरीज़ में काफ़ी मटेरियल्स होते हैं, लेकिन हमारी फिजिक्स की बुक्स में इतने ही मटेरियल्स दिए हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही. वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. सही मायने में वो हमें छोटे से टाइम पीरियड में, छोटी सी उम्र में,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग होता है चार्जेस एट रेस्ट। तो फ्रेंड्स चार्जेस तो हम जान गए कि चार्जेस क्या होते हैं, लेकिन एट रेस्ट हम इसको एट रेस्ट की कंडीशन में क्यों कहते हैं, डायनेमिक क्यों नहीं कहते, हम इसको मोशन में क्यों नहीं कहते, जबकि चार्जेस तो मूव करते हैं ना, तो क्यों नहीं कहते, क्या रीजन है इसका एट रेस्ट लिखने का, एट रेस्ट लिखने का क्या रीजन है, ये हमें देखना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी ने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमने उस प्लास्टिक पेन को अपने हेयर से, मैंने उस प्लास्टिक पेन को अपने हेयर से रब किया, सबसे पहले मेरी प्लास्टिक पेन क्या थी, अनचार्ज थी या मैं कहूं न्यूट्रल थी, देन मैंने उस प्लास्टिक पेन को रब किया, फ्रिक्शन किया अपने हेयर्स के साथ, तब मैंने देखा कि ये प्लास्टिक पेन चार्ज हो गई, तो चार्ज हो गई, देन मैंने उसे लिफ्ट किया, लिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो मेरी चार्ज बॉडी थी फिर से न्यूट्रल की स्टेट में पहुंच गई, फिर से न्यूट्रल बन गई। तो रीजन क्या, तो हुआ क्या, सबसे पहले मेरे पार्टिकल, सबसे पहले इस पेन के पार्टिकल रेस्ट में थे, मैंने उनको जगाया, आराम कर रहे थे, मैंने उनको जगाया फ्रिक्शन करने के बाद, फिर उसने अपना काम किया जो भी हमने इससे करवाया, फिर उसके बाद ये फिर रेस्ट की कंडीशन में, रेस्ट की स्टेट में पहुंच गए। तो ये रीजन है कि रेस्ट से जगाकर रेस्ट में पहुंच जाते हैं, यानी कि कुछ एक शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आते हैं फ्रिक्शन से करने से, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कई बार काफी यूज फॉर्म ले लेते हैं, उसको हम देखेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, क्या मजबूरी रही होगी उस मेटेलिक प्लेट की जिसने उसे इतना बेबस, बेसहारा और लाचार बना दिया कि वो छोटू से मेटेलिक पीस को नहीं उठा पाया, जानने के लिए देखते रहे एंड तक। चल छोड़ यार, मैं बता देता हूं। सो फ्रेंड्स देखते हैं कि जब मैंने, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि सपोज मेरे पास एक मेटेलिक, सपोज मेरे पास प्लास्टिक पेन थी ये मेरे पास, ओके, इसको मैंने अपने हाथों से होल्ड किया है, एंड अब होता क्या है कि यहां पर एल्युमिनियम चिप्स रखी हुई थी, मेटल चिप्स रखी हुई थी। तो हुआ क्या कि जब मैंने इसको रब किया, एंड एक और केस लेते हैं, जब मैंने मेटेलिक पीस अपने हाथों में होल्ड किया हुआ था, मेटेलिक पीस जब मैंने अपने हाथों में होल्ड किया हुआ था, तो यहां पर एल्युमिनियम चिप्स रखे हुए थे, ओके, तो जब मैंने इसको यहां पर रब किया, एंड इसको भी यहां पर रब किया, तो हुआ क्या कि इसने रब होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगा के चिप पर इन चिप्स को उठा लिया, इन चिप्स को लिफ्ट कर लिया। वही इस मेटेलिक चिप ने, इस मेटेलिक पीस ने एक भी चिप को नहीं उठा पाया, क्या रीजन है, क्या मजबूरी है? तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब मैंने इस प्लास्टिक पेन को रब किया, तो हुआ क्या कि यहां पर चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, यहां पर चार्जेस कलेक्ट हो गए, तो इन कलेक्टेड चार्जेस ने इस मेटेलिक चिप को उठा लिया, क्योंकि ये बॉडी चार्ज हो गई, प्लास्टिक पेन चार्ज हो गई, तो उसने मेटेलिक चिप्स को, या मैं कहूं एल्यूमिनियम चिप्स को उठा लिया या लिफ्ट कर लिया। वही दूसरी ओर जब मैंने इसको यहां पर चार्ज किया, तो उसने एक भी मेटेलिक चिप को उठाना तो दूर, हिला तक नहीं पाया अपनी जगह से। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये एक इंसुलेटर है, प्लास्टिक पेन एक इंसुलेटर है, जबकि जो इसकी मजबूरी है, जो इसका हार का कारण है, वो ये है कि यहां पर चार्जेस कलेक्ट नहीं हो पाए, एक्युमुलेट नहीं हो पाए। रीजन क्या है? रीजन मेटेलिक चिप, मेटेलिक पीस या मेटेलिक प्लेट एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना है हमें हमेशा के लिए, फॉरएवर फॉर आवर लाइफ, कि हमेशा कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सब पहले मैं बात करता हूं इंसुलेटर की। इंसुलेटर के सारे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, इंसुलेटर के सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, जबकि इसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि मैं प्लास्टिक पेन को यहां रब करता हूं, तो सारे चार्जेस भी यही एक्यूमुलेट होंगे, सारे चार्जेस भी यही कलेक्ट होंगे, एक भी चार्ज यहां से यहां तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है, आप जहां पर रब करेंगे वहीं एक्ट करेगा, वहीं चार्ज होगा। लेकिन मेटेलिक पीस में क्या होता है? मेटेलिक पीस में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज करें कि जब मैंने इसको यहां पर चार्ज किया,
जब मैंने इसको यहां पर चार्ज किया तो हुआ क्या कि यहां पर जो चार्ज कलेक्ट हुआ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहां से लेके यहां तक मेरे हाथ के थ्रू यानी कि ह्यूमन बॉडी के थ्रू अर्थ में जाके टर्मिनेट हो गए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अर्थ सभी चार्जेस का अल्टीमेट एब्जॉर्बर है सारे चार्जेस अर्थ में जाकर खत्म हो जाते हैं या मैं कहूं इस यहां पर हमारी अर्थ पर जितने भी चार्जेस हैं वो अर्थ में जाके खत्म हो जाते हैं अर्थ उन सभी को एब्जॉर्ब करके रख सकती है सो फ्रेंड्स ये एक इंसुलेटर है ये एक कंडक्टर है इसके पास कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर के पास होते हैं टाइट इलेक्ट्रॉन्स यानी टाइटली बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन शॉर्ट मैं कंडक्टर को किस तरह से डिफाइन करूंगा इन शॉर्ट मैं कंडक्टर को कहूंगा कि कंडक्टर वो काइंड पर्सन है वो दयालु पर्सन है जो आपके काम आ सकता है वो काइंड पर्सन है जो आपके काम आ सकता है किस तरह से तो देखिए सपोज एक बॉडी है ए सपोज एक बॉडी है ए अब इस बॉडी को यहां पर इस बॉडी बी के पास अपने चार्जेस पहुंचाने हैं अपने चार्जेस सेंड करने हैं तो होगा क्या कि ये चाहता है कि बॉडी ए चाहती है कि ये बॉडी बी तक नहीं जाए लेकिन अपने चार्जेस पहुंचा दे तो इस बीच में पड़ता है कंडक्टर तो इस बॉडी ए ने कंडक्टर से कहा कि भैया क्या आप मेरे चार्जेस बी तक सेंड कर देंगे तो उसने कहा नो प्रॉब्लम यार कई सारे लड़के फ्री पड़े हैं और वो तेरा काम कर देंगे ओके तू बस अपने चार्जेस मुझे दे दे मैं फ्री इलेक्ट्रॉन से पहुंचा दूंगा तो उसने अपने चार्जेस दिए इसके पास कई सारे लड़के फ्री हैं दैट इज कई सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं इसने ए ने अपने चार्जेस यहां पर दिए अब उसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन तो हर इलेक्ट्रॉन जाते जाते ये चार्जेस बी को सेंड कर देगा तो कंडक्टर क्या होगा कंडक्टर एक कूल बॉय है ना जल्दी इसका दिल पिघल जाता है ओके सो आप देखते हैं यार सेम प्रोसेस इसने ए के साथ करी सेम प्रोसेस इसने इंसुलेटर के साथ की ये था एक इंसुलेटर ये है बी एंड ये है ए तो इस ए ने बी तक चार्जेस पहुंचाने हैं इस ए को बी तक चार्जेस पहुंचाने हैं तो हुआ क्या इस बार इसके रास्ते में आ गया इंसुलेटर तो उसने कहा इन्हें कहा कि भैया आप मेरे चार्जेस बी तक पहुंचा दोगे तो कहा अपना काम स्वयं करें तो हुआ क्या कि इस ए ने इसको चार्जेस दिए फिर भी ये नहीं माना इस ए ने चार्जेस दिए कि पहुंचा दो प्लीज प्लीज चैट क्या पहुंच दूं मैं तो उसने दिया क्या दे दे लगा ले जाकर तो इंसुलेटर को उसने दिए चार्जेस दिए काफी सारे चार्जेस दिए बहुत सारा फोर्स लगाया इस ए ने काफी सारे चार्जेस दिए लेकिन ये था कि पिघलने वाला नहीं था बड़ा ही सख्त है बड़ा ही रूड बॉय है इंसुलेटर तो हुआ क्या कि चार्जेस यहां तक उसने बहुत मेहनत कर ली बहुत ताकत लगा ली तो ए बोला यार इतने चार्जेस मैंने इसको दिए इतनी मेहनत इसको देने में लगा ली इतने में तो मैं खुद जाके बी को दे आता तो इंसुलेटर क्या है इंसुलेटर वो मटेरियल है जो कि चार्जेस को ट्रेवल नहीं कराता है क्यों उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वही कंडक्टर क्या है कंडक्टर वो मटेरियल है जो हमारे चार्जेस को इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा देते हैं बिना किसी ट्रेवल फीस के बिना किसी पेमेंट के ओके सो आइए एक नॉर्मल टर्म में चलो एक बार एक चीज और मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल दे देता हूं इंसुलेटर का नाम आपने कई बार मेरे अंदाज से सुना होगा इंसुलेटर को हमने 8th क्लास में या कई बार हमने पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इस नाम से जाना होगा तो इसका एक एग्जांपल जो आपने कई बार देखा सुना होगा वो मैं आपको बता देता हूं एक्सपीरियंस भी किया होगा सपोज करें हमारे पास एक मेटल पीस है या मैं कहूं एक आयरन बार है अब इस आयरन बार को आप यहां पर हीट करें एंड आप इसको होल्ड करे हुए हैं देन होगा क्या कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स हीट अप हो जाएंगे तो कंडक्टर में क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां तक हीट हमारे पास पहुंचा देते हैं जिसके कारण हमें हीट सेंसेशन होता है हमें हॉट फील होता है जबकि यदि मैं बात करूं हमारे पास एक वुड पीस है यानी कि लकड़ी का टुकड़ा है यदि मैं इस लकड़ी और मैं इसको हाथ में होल्ड करके रखा हुआ यदि मैं इस लकड़ी को यहां पर हीट करता हूं तो होता क्या है या मैं कहूं मैं यहां पर इसको जलाता हूं तो होता क्या है कि मैं इसको यहां पर आराम से पकड़ के रख सकता हूं पकड़ के होल्ड या मैं इसको होल्ड करे रख सकता हूं तो रीजन क्या है इसके इलेक्ट्रॉन्स
अच्छी तरह से निभाते हैं, दोनों का यूज देख लेते हैं। यूज देखने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपसे कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल का ही पार्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे नेचर में अलग अलग टाइप के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, कोई एक टाइप का मटेरियल हमारे नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्ड्स में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड भी मटेरियल दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पर होंगी, ओके। सो अब हम देखते हैं इसका यूज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। तो फ्रेंड्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर का दोनों का ही अपनी अपनी इक्वल वैल्यूज है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ओके। सो सपोज करते हैं कि ये है पावर हाउस, ये है पावर हाउस, ओके, एंड ये है हमारा घर, ये हमारा हाउस है, ओके। अब इस हाउस से, इस पावर हाउस से हमें अपने हाउस तक यानी कि अपने होम तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो किस तरह से पहुंचाएंगे? देन होता क्या है, यहां पर हाई टेंशन वायर्स आते हैं, यहां से है ना, यहां से हाई टेंशन वायर आते हैं, या मैं कहूं यहां पर एक पोल हो, पोल है, ऐसे को मैं पोल मान लेता हूं, ओके। पावर हाउस से पोल्स तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, पोल्स तक इलेक्ट्रिसिटी आती है किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू। मीडियम क्या होता है? कंडक्टर। एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं या कॉपर वायर्स के थ्रू इस तरह से कंडक्टर के फॉर्म में, कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस आते हैं हमारे घर से पोल्स तक। और पोल्स पर क्या होता है, सपोज करें यदि ये वायर्स डायरेक्ट जाके, ये वायर से यदि मैंने पोल में जाके टच करा दिए, मैं सोचा कि घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दूं, तो पोल में जाके मैंने वायर्स को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो होगा क्या कि ये पोल क्या है, अर्थ के अंदर डंप है, अर्थ के अंदर ये पोल दबा हुआ है, ओके। तो होता क्या है कि यदि मैं चार्जेस, यदि मैं जो वायर है डायरेक्ट इसमें जाकर कनेक्ट कर दूं कंडक्टर को, तो होगा क्या कि सारे चार्जेस पोल के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, एक भी चार्ज अपनी स्टेज तक जहां पर हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है नहीं पहुंच पाएगा, या मैं कहूं काफी कम चार्जेस पहुंच पाएंगे। तो होता क्या है, तो होता क्या है इस चीज से बचने के लिए, और एक और चीज क्या होगी कि जो भी इसको टच करेगा एक डेडली शॉक उसको फील होगा, एक डेडली शॉक एक्सपीरियंस करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है कि हमने कई बार देखा होगा कि जब पोल टू पोल हमें इलेक्ट्रिसिटी सेंड करनी होती है, जब पोल टू पोल हमें इलेक्ट्रिसिटी सेंड करनी होती है, तो होता क्या है कि हमने कई बार इस तरह के देखा होगा, कई बार इस तरह के का जो इमेज हमने देखी होगी कि इस तरह से इसमें से वायर आएगा एंड यहां से होते हुए इस वायर तक, यहां से होते हुए यहां तक ये पहुंचते हैं, ओके। सो इस तरह से होता है। अब होता क्या है कि अब मैं इस वायर को, कंडक्टर को जब शॉक लगा किसी को या सारे चार्जेस आर्थ में जाकर टर्मिनेट हो गए, तो मैं करूंगा क्या, या जो इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, या हम क्या करते हैं कि इन वायर्स को कंडक्टर, इन वायर्स को इंसुलेटर में रखा जाता है, या मैं कहूँ इंसुलेशन में रखा जाता है, इंसुलेशन में, सो दैट जो वायर्स के चार्जेस हैं लीक नहीं हो पाते, वायर के चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो पाते पोल तक, और सारे चार्जेस कंडक्टर टू कंडक्टर जहां हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है वहां तक जाते रहते हैं। तो यदि यहां पर कंडक्टर का रोल क्या हुआ, कंडक्टर का रोल ये हुआ कि यहां पर चार्जेस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, जबकि इंसुलेटर ने क्या किया, इस इंसुलेटर ने ये किया कि चार्जेस, कोई भी चार्ज लीक नहीं होने दिया। या इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से इंसुलेटर का यूज किया जाता है, ओके। तो फ्रेंड्स ये बात हुई कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। अभी तक हमने देखा कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वो मटेरियल है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को ट्रेवल करा देता है। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर वो चीज है, या मैं कहूं वो मटेरियल है जो चार्जेस को ट्रेवल नहीं करने देता, अलाउ नहीं करता, परमिशन नहीं देता, ओके। लेकिन क्या इंसुलेटर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टाइटली बाउंड है कि कभी भी इससे
सपोज करें तो इंसुलेटर को देखते हैं, इंसुलेटर को देखते हैं कि क्या इंसुलेटर हमेशा क्या इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा टाइटली बाउंड होते हैं कि उनमें से कभी भी चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं पहुंच पाता। फॉर एग्जांपल यदि मैंने इसको वुड पर यदि मैंने एक प्लास्टिक पेन को चार्जेस दिए, यदि मैंने एक प्लास्टिक पेन को चार्जेस दिए यहां पर 5 कूलम मैंने इस प्लास्टिक पेन को चार्ज दिए तो 5 कूलम चार्जेस यहीं पर रह गए। लेकिन क्योंकि प्लास्टिक पेन तो मना करेगी ना, मैं एक इंसुलेटर हूं मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दो, मैं चार्जेस यहां से वहां तक नहीं ले जाऊंगी या ले जाऊंगा। तो हुआ क्या कि 5 कूलम चार्ज हमने इसको दिया, ये नहीं माना, इसने ये नहीं लेके गया, इसने क्या किया 10 कूलम चार्ज दिया फिर भी नहीं, उसकी बॉन्ड टूट नहीं पाई, स्ट्रेंथ उसमें इतनी है, इंसुलेशन इतनी है कि नहीं टूटी। 15 कूलम चार्ज दिया नहीं टूटी, है ना, 99 कूलम चार्ज दिया नहीं टूटी, उसकी इंसुलेशन ब्रेक नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इसने 100 कूलम चार्ज दिया, चार्जेस स्पीड से भागते हुए सारे चार्जेस इस पॉइंट से यहां तक पहुंच गए और जो यहां पर होल्ड करके रखा हुआ था उसको एक शॉक लगा, उसको एक शॉक फील हुआ। तो हुआ क्या, 99 कूलम तक चार्ज देने पर इसकी इंसुलेशन नहीं ब्रेक हुई, है ना। लेकिन जैसे ही हमने इसको 100 कूलम चार्ज दिया, इसकी इंसुलेशन ब्रेक हो गई, चार्जेस दौड़ते हुए इस पॉइंट तक पहुंच गए। हुआ क्या अब इस इंसुलेटर की इंसुलेशन ब्रेक हो गई और ये इंसुलेटर डायलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट इंसुलेटर हुज इंसुलेशन हैज टू बी ब्रोकन एट सम सर्टेन पॉइंट। डायलेक्ट्रिक्स कुछ नहीं होते, डायलेक्ट्रिक्स केवल इंसुलेटर ही होते हैं, हम इंसुलेटर को ही डायलेक्ट्रिक्स कहते हैं, लेकिन वो ऐसे इंसुलेशन इंसुलेटर होते हैं जिनकी एक सर्टेन पॉइंट पर इंसुलेशन ब्रेक होनी है। सो फ्रेंड्स आज हमने बहुत कुछ देखा, तो आज के लिए बस इतना ही। बट फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से काफी कुछ यूज लॉसेस हो सकते हैं कभी कभी, तो वो यूज लॉसेस क्या है और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज मुझे लगता है कि इस वीडियो का साइज आज के लिए काफी हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।